We are doing chapter number system, right? And our today's topic is. उसको name लेने से पहले हम थोड़ा सा पुराना recall करते हैं. Everyone must have done after and before. आप सब ने किया हुआ ना? What comes after? What comes before? कितना easy होता है simple कि एक number होता है हमारे पास. अगर भाई यहाँ पे एक simple सा number 10. And what if I ask what comes after 10? So what will be the answer? Quickly write in the chat box. What comes after 10? बहुत simple सा question है ये. Yes. ID भी पूछी नहीं है. 11. ठीक है. After क्या आता है इसपे? 11. And what comes before? What comes before? अनन्या ने वन लिखा है बच्चे ध्यान से आंसर करो वन यस व्हाट कम्स बिफोर नाइन मींस आपने पहले किया हुआ है आफ्टर एंड बिफोर का कॉन्सेप्ट है ना दिस इज बिफोर दिस इज आफ्टर ठीक है ये वाली चीज है आफ्टर और ये वाली चीज है बिफोर कि कोई भी नंबर हो कि उसके पहले क्या आता है उसके आफ्टर क्या आता है ये ऑलरेडी वी हैव डन इन फर्स्ट क्लास ओके नाउ इन सेकंड क्लास हम अभी थोड़ी सी बिग हो गए हैं हम इसको न्यू नेम देंगे ठीक है बिफोर वाले को कुछ और नेम देंगे आफ्टर वाले को कुछ और नेम देंगे एंड दैट विल बी आवर टुडेज टॉपिक एंड द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज सक्सेसर प्रीडिसेसर मैं दोबारा बोलूंगी सक्सेसर प्रीडिसेसर ठीक है ये है टू वर्ड्स हमारे सक्सेसर स्पेलिंग थोड़े से बिग है लेकिन बहुत इजी है सक्सेसर एस यू डबल सी ई डबल एस ओ आर सक्सेसर ठीक है एंड दूसरा वर्ड है हमारे पास प्रीडिसेसर प्री डी सेसर पी आर ई डी सी ई डबल एस ओ आर अब हम देखेंगे कि व्हाट इज सक्सेसर एंड व्हाट इज प्रीडिसेसर अगर मैं सिंपल से आपको एग्जांपल दूं जैसे आप फर्स्ट क्लास में थे ना पहले फर्स्ट ग्रेड में थे फर्स्ट के बाद आप अभी सेकंड में हो गए हो तो आप क्या करके आए आप सक्सेस लेके आए हो ना आपकी सक्सेस हुई है कि आप पहले फर्स्ट में थे अब आप सेकंड क्लास में आ गए हो मोस्टली हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम यही बोलते हैं ना कि वी आर सक्सेस कि हमें सक्सेस मिली है यही होता है ना सो सक्सेसर का मतलब ये होता है कि वन नेक्स्ट जस्ट वन नेक्स्ट कि हम कोई भी नंबर लिखें उसके वेरी नेक्स्ट अगर हम देखें वो क्या होता है ठीक है और अगर आपने मेरे टॉपिक को रिलेट किया हो तो जल्दी से मुझे बताओ सक्सेसर का मतलब अब बिफोर है या आफ्टर है राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट डज सक्सेसर मींस जैसे मैंने स्टार्ट जिस टॉपिक से किया इज दिस बिफोर और आफ्टर यस वेरी गुड आई डी विद अनन्या और आई वांट मोर आंसर्स यस आफ्टर एंड प्रीडिसेसर आफ्टर पहले प्रीडिसेसर एक पहले क्या आता है जैसे हम किसी नंबर को देखते हैं फिर हम सोचते हैं कि इसके बिफोर तो बिफोर का अनदर नेम है प्रीडिसेसर क्लियर वन इज सक्सेसर एंड वन इज प्रीडिसेसर जैसे अभी आप सेकंड क्लास में हो अगर मैं पूछूं कि आपके सेकंड क्लास का प्रीडिसेसर क्या है व्हाट यू विल से इससे पहले आप कौन सी क्लास में थे Yes. So first class is your predecessor. Simple. कि आप अभी second में हो ना आपका predecessor क्या आपकी first. और जब आप first class में थे तब आप success हुए कौन सी class में आए second class में. So one is successor and another is predecessor. ऐसे ही अपने notebook लिख लो ठीक है. Successor means plus ऐसे लिख लेते हैं हम adding one to the given number notebook पे ऐसे लिखो इजी रहेगा आपके लिए adding one to the given number and predecessor means subtracting one from the given number simple जैसे हम last में अभी work कर रहे हैं तो हम
टॉपिक की अगर ये लिखेंगे तो हमारे लिए और क्लैरिटी हो जाएगी कि ये टॉपिक की स्टार्टिंग है, राइट? सक्सेसर इज एडिंग वन टू द गिवन नंबर एंड प्रीडिसेसर मींस सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द गिवन नंबर. नाउ आई एम गिविंग यू टाइम, अच्छे से भी नोटबुक में लिख लो ये. आफ्टर दैट वी विल डू सम्स. ओके, बोलने की ट्राई भी करो ये वर्ड की, ऐसे अनम्यूट करके नहीं, सिर्फ लिप सिंक करके. आई कैन सी यू लिप सिंक, ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ सक्सेसर. आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपकी लिप सिंक देख सकते हो. बोलो मेरे साथ ऐसे वर्ड, सक्सेसर एंड नेक्स्ट इज प्रीडिसेसर. सिंपल, ठीक है? वो है सक्सेसर, ये है प्रीडिसेसर, पीछे वाला सारा सेम. ओके, नाउ क्विकली राइट. जिनका हो जाए बच्चे, राइट इन द चैट बॉक्स दैट आई हैव डन. नो नीड टू स्पीक, बस चैट बॉक्स में आप लिख देना. यस, आई एम वेटिंग, आई एम नॉट गोइंग टू इरेज, आई एम गिविंग यू टाइम, डू इट क्विकली. सिंपल है, अगेन रिपीट कर रही हूँ. सक्सेसर मीन्स एडिंग वन टू द गिवन नंबर. जो भी हमारे पास नंबर होगा उसमें हम वन ऐड कर देंगे, और कोई भी डिजिट का नंबर हो सकता है, टू डिजिट, थ्री डिजिट एंड फोर डिजिट, अप टू फोर डिजिट, नॉट फाइव डिजिट, राइट? एंड प्रीडिसेसर मीन्स सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द गिवन नंबर, कि जो हमारे पास गिवन नंबर होगा उसमें से हमने वन को सब्ट्रैक्ट कर देना. क्लियर? Okay, you are writing done, ma'am. Quickly. Wait, ma'am. Okay, I'm wait. I'm waiting, bachche. No need to speak. No problem. I'm waiting. Wait, ma'am. I'm not going to erase. I'm waiting. Do it. Ma'am, screen is not visible. It's visible, bachche. Okay, now 1 more minute, just. After 1 minute, I'm going to erase this. You students need to speed up, right? बहुत simple सी चीज़ board पे लिखी है मैंने. Within 1 minute, bachche, I'm going to erase. Quickly, लिख लो अपनी notebook. तब आप लिखो एंड आई एम गोइंग टू राइट द नेक्स्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट सम इज वीडियो इसका? अभी मैं बोल नहीं रही बच्चे कुछ, अभी मैं कुछ नहीं बोली, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट ऑडिबल. अभी बोल रही हूँ, अब बताओ अगर मैं ऑडिबल नहीं हूँ तो. चुप थी मैं तब. ओके, सो जिनका अभी भी शुरू से अगर रहता हो तो प्लीज अपने फोन से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप कर लेना. आपके साथ कोई ना कोई बैठा होगा, है ना? आपके बिग कोई तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अपनी स्क्रीन का, तो बाद में यू कैन राइट. सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस. सो स्टार्ट करते हैं आवर वेरी फर्स्ट सम. आई हैव रिटन द स्टेटमेंट, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ. सिंपल, ठीक है? प्रीडिसेसर से स्टार्ट करते हैं कि हमने अपने अब इस नंबर का प्रीडिसेसर, प्री मींस एक पिछला, प्री प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है. राइट द प्रीडिसेसर ऑफ ए इज 2450. तो अब हम करेंगे कैसे, हम पूरा शो करेंगे कि हम इसमें से वन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. प्रीडिसेसर मीन सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द गिवन नंबर. तो इसके आंसर में
हम लिखेंगे 2450 माइनस वन, ठीक है। तो आप साइड में अगर आपने माइनस करनी है तो कर भी सकते हो, अगर माइंड में करोगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमारे मेंटल मैथ्स में भी ऐसे सम्स आते हैं। जरूरी नहीं कि हम ऑल द टाइम कैलकुलेशन करें, लेकिन हमें माइंड से भी इतना क्विक होना चाहिए कि हम ऐसे बस देख के बता दें कि अगर हम इसमें से वन को सब्ट्रैक्ट करें सो व्हाट वी विल गेट। सो हियर 10, हियर 4, सो 9442। सो इस प्रीडिसेसर इज 2449। ये होगा इसका आंसर। हम मतलब पूरा माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। अगर आपने साइड पे ऐसे, ये रफ वर्क है, मेन में नहीं है ये, अगर ये आप करोगे भी नो प्रॉब्लम, नहीं करोगे तो भी सही है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप ये वाली चीज अपने माइंड में करो। ओके, सो प्रीडिसेसर ऑफ 2450 इज 2449। सिंपल है। बी पार्ट इज 490। 490 इजीली आप बता सकते हो क्विकली, राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट विल बी द प्रीडिसेसर ऑफ 490। जिसमें बार बार बोल रही हूँ ना प्रीडिसेसर प्रीडिसेसर, तो इससे आपको वर्ड की जो साउंड है वो भी क्लियर होगी कि बोलना कैसे है आपने। ओके, 490 प्रीडिसेसर, वेरी गुड तनव अग्रवाल, गुड आरव, रॉन्ग था बच्चे, दिव्यम, गुरशीन, गुड। सो किसी ने 491 लिख दिया, वो प्रीडिसेसर नहीं है। प्री मींस एक पिछला, सक्सेस मींस एक आगे वाला, ठीक है। सो इसका आएगा 489। सो पहले हम लिखेंगे 490 माइनस 1 एंड वी विल गेट 489। सी, मैंने इसकी कैलकुलेशन साइड पे नहीं की क्योंकि मुझे मेरे माइंड में आ गया। आप बच्चों ने भी ट्राई करना है कि आप माइंड से ही इसकी कैलकुलेशन करो, अगर साइड पे कर भी लोगे तो नो प्रॉब्लम। सी पार्ट इज 3430। सिंपल, टेल मी इट्स आंसर। 3430, का प्रीडिसेसर इज, ओके तनव, गुड ऋषभ, गुड खुशीन, यस वेरी गुड आरव, हलीम, शिवांश, यस इट्स प्रीडिसेसर इज 3430 माइनस 1 इज 3429। एक तो बहुत इजी है, एक सिंपल सा वे बताऊं क्या करो, पीछे वाले डिजिट से देख लो कि 50 में से 1 माइनस करे क्या आएगा 49, सिंपल। 90 में से 1 माइनस करे क्या आएगा 89, लास्ट वाले टू डिजिट देख लो तो भी बहुत इजी है, कैलकुलेशन करने की आपको नीड ही नहीं होनी। अब 30 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा 29, सिंपल। आप इतना तो माइंड में हम कर सकते हैं ना कि 30 माइनस 1 क्या होता है, 40 माइनस 1 क्या होता है, बस टू डिजिट्स को भी अगर आप माइनस करके देख लोगे तो इजी होगा आपके लिए। नेक्स्ट इज 5499, वेरी इजी। लास्ट है 99 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, 99 में जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 5498। सिंपल, यस। सो ये थे हमारे फोर सम्स प्रीडिसेसर के, कंप्लीट कर लो अपनी नोटबुक पे, उसके बाद हम करेंगे सक्सेस। ये था हमारा प्रीडिसेसर जिसमें हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये क्या लिखा है बच्चे, हिमांश, आई एम ओ पी, डन, वेरी गुड, जिन्होंने कर लिया है।
Yes, done. So shall I raise this? Show me your thumbs up. अभी मैं स्क्रीन पे देखती हूँ. जल्दी से मुझे अपने थम्स अप दिखाओ if you want me to raise. Quickly. अभी जोत अभी आपको हुआ नहीं कि हो गया है? आईडी विद परम बैंस बच्चे आपका हो गया. अपने हैंड्स पीछे करो आप दिखाई नहीं दे रहे. ओके सो आई एम गोइंग टू इरेज. नेक्स्ट करते हैं हम. Ready guys, see, write the successor of the tab likh lo. Write the successor of Ava. पहले स्टेटमेंट लिख लो. पहले हमने किया राइट द प्रीडिसेसर. नाउ राइट द सक्सेसर ऑफ. किसका करना है सक्सेसर हमें? 1380 का. और सक्सेसर मींस क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स. सक्सेसर मींस शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं सक्सेसर. मतलब क्या करते हैं हम उसमें देखते हैं फर्स्ट कौन आंसर करता है इस चीज का. नहीं ठीक है. नॉर्मल सक्सेसर. सक्सेसर मींस प्लस वन. अभी आप आफ्टर नहीं लिखोगे ठीक है. नाउ यू आर इन सेकंड. अब आप लिखोगे प्लस वन ठीक है. जब मैं प्रीडिसेसर पूछूंगी आप लिखोगे माइनस वन. और जब मैं सक्सेसर पूछूंगी आप लिखोगे प्लस वन. बिफोर आफ्टर का हम अभी कॉन्सेप्ट फर्स्ट पे छोड़ देते हैं ठीक है. अब हम आगे चल रहे हैं. यस विधान प्लस वन लिखोगे माइनस वन लिखोगे. और इसका तो बहुत ईजी है. हम लिखेंगे 1350 plus 1, so we will get 1381. More need to do calculation in the rough, क्योंकि ये बहुत सिंपल है कि 80 में अगर हम 1 ऐड करेंगे, we will get 81, है ना? हमें पूरी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है. मैंने आपको बोला लास्ट हमने टू डिजिट्स में कर लिया करो. प्लस वन भी लास्ट हमने टू डिजिट्स में, माइनस वन भी लास्ट हमने टू डिजिट्स में. सिंपल. ओके नेक्स्ट इज 2069. Very simple. 2069. Answer 2070. Yes, Vidhan, good. Or 2069 plus 1. Bachcha sabka is sharing the screen. Remove it. Yes. 2069 plus 1 will be 2070. 69 plus 1 kiya humne. So we will get 70. Next is 260. Very simple. Yes. 260 plus 1. So 261. साथ साथ में नोटबुक में भी अपनी कंप्लीट करो. नेक्स्ट इज 4490. लास्ट वाले टू डिजिट्स में वी विल जस्ट ऐड 1. सो वी विल गेट 4491 ठीक है. अभी कंप्लीट करो. आई एम गिविंग यू टाइम. 2 मिनट्स आपको दे रही हूँ. कंप्लीट इट. यस एवरीवन शो मी so that I'll let you know कि हो गया है आपका.
डन। चलो बोर्ड पे वैसे भी लिखा हुआ है, किसी का रह जाए तो वो साथ साथ में कर लें। आज टुडेज टॉपिक इज डन। टुडे व्हाट वी हैव डन, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। रिकॉल कर लेते हैं दोबारा इसी चीज को। सक्सेसर मींस व्हेन वी ऐड वन टू द गिवन नंबर, प्रीडिसेसर मींस व्हेन वी ऐड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन नंबर। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई भी नंबर आपको गिवन हो उसमें से वन जब आप ऐड कर दोगे यू विल गेट इट्स। मेरे साथ बोलो, सिर्फ लिप सिंक करो, यू विल गेट इट्स सक्सेसर, राइट। एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द गिवन नंबर वी विल गेट इट्स प्रीडिसेसर। ठीक है, सिंपल प्रीडिसेसर। आईडी विद नवल बच्चे, व्हाट आर यू ईटिंग? भूख लग गई आपको बीच में? चलो आज का टॉपिक इज डन एंड स्टिल वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। तो हम रिकॉल करते हैं अपने पिछले थोड़े से टॉपिक्स को, जो जो भी हमने न्यू टॉपिक्स किए हैं, लाइक एक्सपैंड एंड शॉर्ट फॉर्म, प्लेस एंड फेस वैल्यू। मैं बोर्ड पे लिखूंगी, अब ये नोटबुक पे नहीं करना आपने, ठीक है? मैं बोर्ड पे लिखूंगी, आपने बस मुझे चैट बॉक्स में उसका आंसर करना है विद इन 5 सेकेंड, क्योंकि आफ्टर 5 सेकेंड मैं चेंज कर दूंगी क्वेश्चन, ठीक है? फिर उसके बाद जो आंसर मिक्स होंगे फिर मुझे पता नहीं चलेगा इससे। सिर्फ मैं टाइम दूंगी, उतने ही टाइम में आपने उस चीज को चैट बॉक्स में लिखना है। मैम मैम लिख रही है, नंबर लिख रही हूँ आपकी तरफ से 3, 4, 5, 6 एंड अंडरलाइन डिजिट इज 3। सो टेल मी इट्स प्लेस वैल्यू क्विकली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, मैं सेकंड बोल रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। टाइम्स अप, बस अब लिखना भी बंद कर दो। सबसे पहले आंसर आया मनन्या का, वेरी गुड। देखते हैं कौन कितना फास्ट कर सकता है। यस, आंसर्स आर राइट, जो भी आंसर आ रही है मुझे, किसी का रॉन्ग नहीं आया, वेरी गुड। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3000, प्लेस वैल्यू, ठीक है। Now next question is, ये थी place value, अब place value of 5 is, जसमोट ने तो पहले wrong लिख दिया, नवल ने wrong लिख दिया, okay, 500 आया अभी किसी का, सक्षम का था शायद, विष्टि ने 400 लिखा wrong, सहजप्रीत का wrong आया 50, ध्यान से नहीं सुना आपने मुझे, सिर्फ जल्दी से आंसर देने के चक्कर में। आदित्य का भी रॉन्ग आया 500। बच्चे आई हैव आस्क्ड फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मैंने आपको बोला था कि जो चीज देखने में जैसी लगती है वो ही। अब 5 देखने में कैसे लग रहा है, 5 जैसे लग रहा है ना, समर आपने भी 50 लिखा है, आ रहा हूँ अभी जो 50 लिख रहे हो, बच्चे फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 50। 6 पता नहीं क्यों लिख दिया बिष्टी ने, 6 के बारे में तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं है। प्लेस वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की, उस नंबर में प्लेस क्या है, कि वो कौन से प्लेस पे है, वो 1 पे है, वो 10 पे है, वो 100 पे है, या वो थाउजेंड्स पे है। एंड फेस वैल्यू का मतलब होता है कि उसकी फेस की वैल्यू क्या है, कि जो देखने में कैसा लग रहा है, देखने में तो 5 जैसा ही है। सो फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3000, डन। नेक्स्ट पूछती हूँ, चैट बॉक्स में लिखना है आपने 3000 प्लस 50 प्लस 1, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म में, सो राइट इन शॉर्ट फॉर्म 3000 प्लस 50 प्लस 1। अब देखना कितने मिक्स से आंसर आएंगे, लेट्स सी। 3000 प्लस 50 प्लस 1, विधान का रॉन्ग हो गया, रॉन्ग वाली बोलूंगी, अनन्या का रॉन्ग, कृष्ण का रॉन्ग, मनन्या रॉन्ग, आराध्या रॉन्ग, समर राइट, जस्नू राइट, हरलीन रॉन्ग,
परम रॉन्ग यशदीप कशिश ये राइट है सुखमन राइट दिव्यम राइट रॉन्ग कपिल राइट आरभ गुप्ता रॉन्ग मैंने बोला था ये वाली मिस्टेक तो आप करोगे ही करोगे जस्ट करमन रॉन्ग मोक्ष अर्लीन राइट कियान राइट बस सी यहाँ पे मैंने जान बुझ के जीरोस नहीं लिखी सिर्फ ये जानने के लिए कि आपने उस दिन कॉन्सेप्ट को ग्रैब किया था कि नहीं अब आंसर्स राइट आ रहे अब ये देखो शिवांश ने तो डिजिट ही चेंज कर दिया 5000 लिख दिया ऐसे ही करते हो आप बच्चे एग्जाम में भी आया कुछ होता है उसको डिजिट को आप चेंज कर देते हो सो 3000 ये थाउजेंड्स है ये टेंस है ये मंथ है 100 वाली प्लेस यहाँ पे मिसिंग है ये होना चाहिए था 3000 प्लस 000 प्लस 50 प्लस 1 तो ये बनना है 3051 मैंने उस दिन आपको बोला था जीरोस हो भी सकती है जीरोस नहीं भी हो सकती है जरूरी नहीं यहाँ पे मैंने जीरोस नहीं डाले तो आप बच्चों ने आंसर जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में ड्रॉ कर दिया है ना वेरी गुड टू दोस्त जिनका आंसर राइट था बहुत सारे बच्चों का राइट भी था तो 3051 अगर आपको डिफिकल्टी लगे ना तो साइड पे ऐड करके देख लिया करो यहाँ 50 यहाँ 1 ऐसे तो भी यही आना था अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप साइड पे कर सकते हो लेकिन आप ये देखो ये वंस प्लेस है ये टेंस है ये थाउजेंड्स है 100 यस मैम मैंने तेरे पापा हैप्पी बर्थडे विश करना है क्या बोल रहे हो मैंने तो एक बार तो आपको हैप्पी बर्थडे विश करना है वो फर्स्ट चैट बॉक्स में लिख के कर दो बच्चे बोल के नहीं चैट बॉक्स में लिख के कर दो आप नो प्रॉब्लम अच्छे से लिख दो उसे ठीक है तो हम कर रहे थे ये कि बस आपने ये याद रखना है दिस इज वंस प्लेस टेंस प्लेस थाउजेंड्स प्लेस हंड्रेड प्लेस मिसिंग है जो प्लेस मिसिंग होगी उस पे हम जीरो पुट करेंगे सिंपल क्लियर जानबूझ के मैंने ये समझा लिया मुझे पता था कि आपने ये करना है ओके सो आज का टॉपिक भी हो गया हमारा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड शॉर्ट फॉर्म को हमने थोड़ा सा रिकॉल किया एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट नेक्स्ट इन द क्लास तो हम रिकैप्चुलेट करेंगे इस फुल चैप्टर को अगर आज की क्लास में आपका कुछ रह गया हो तो आप सिंपल वर्कशीट आपको आएगी उसमें से आप अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर सकते हो राइट सो नाउ यू ऑल कैन लीव हैव अ नाइस डे अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करना बाय मैम